पाँच साल में शुभदीप सिंह सिद्धू उर्फ सिद्धू मूसेवाला ने वो शोहरत हासिल कर ली थी जिसका हम सब सिर्फ सपना देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी बीट और मैं हूं आपके साथ लवी चौधरी। वेल, पंजाबी गायक और एक्टर से राजनेता बने सिद्धू मूसेवाले की 29 मई की शाम मानसा डिस्ट्रिक्ट में गोली मारकर हत्या कर दी गई। मूसेवाला की गाड़ी पर 30 राउंड ऑफ फायरिंग्स की गई और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इस हत्या की जिम्मेदारी कनाडा के गैंगस्टर गोल्डी बरार ने ली है। आपको बता दें कि सिद्धू मूसेवाला ने 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले पिछले साल दिसंबर में राजनीति में प्रवेश किया था। उन्होंने मानसा से कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में चुनाव भी लड़ा था, लेकिन आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार विजय सिंगला से वो हार गए थे। इसके साथ ही बता दें कि कांग्रेस पार्टी के जरिए पंजाब की राजनीति में पैर जमाने की कोशिश करने वाले सिद्धू मूसेवाला पंजाब के लोकप्रिय गायक थे और 3 दिसंबर 2021 को तत्कालीन पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू और पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की उपस्थिति में सिद्धू मूसेवाला को पार्टी में शामिल कर लिया गया था। मगर इस वीडियो में जानते हैं कि मानसा का शुभदीप कैसे बना सुपरस्टार सिद्धू मूसेवाला। सिद्धू मूसेवाला पंजाबी सिंगिंग की दुनिया में तेजी से उभरा हुआ सितारा था। सिद्धू मूसेवाला पंजाब के मानसा जिले के मूसा गांव का रहने वाले थे। वो जितनी तेजी से उभरे वो हर किसी के लिए एक मिसाल थी। 11 जून 1993 को जन्मे मूसेवाला को शोहरत सो हाई ट्रैक से मिली। मूसेवाला की पहचान पंजाबी सिंगर, रैपर, गीतकार और पंजाबी सिनेमा से जुड़े एक्टर के तौर पर थी। वो चर्चा में विवादों से भी रहे। मूसेवाला के पिता भोला सिंह पूर्व सेनाधिकारी थे तो वहीं उनकी माँ चरण कौर गाँव की सरपंच थी। बात करें अगर उनकी एजुकेशन की तो उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की थी। ग्रेजुएशन के बाद सिद्धू मूसेवाला कनाडा में शिफ्ट हो गए थे और वहीं अपना पहला गाना जी वैगन रिलीज किया। 2018 से उन्होंने भारत में लाइव परफॉर्म करना शुरू कर दिया और मूसेवाले को कामयाबी 2017 में आए ट्रैक सो हाई से मिली। आपको बता दें कि इस गाने को ब्रिट एशिया टीवी म्यूजिक अवार्ड्स में 2017 का बेस्ट लिरिसिस्ट अवार्ड मिला। इसके बाद उन्होंने इस्सा जट, तोचा, सेल्फ मेड, फेमस और वार्निंग शॉर्ट्स से बुलंदियों को छुआ। 2018 में पीटीसी पंजाबी म्यूजिक अवार्ड्स ने उन्हें इस्सा जट के लिए बेस्ट न्यू एज सेंसेशन अवार्ड के लिए नॉमिनेट भी किया और 2018 के आखिर में उन्होंने अपना पहला एल्बम PBX1 जारी किया। एल्बम के बाद उन्होंने इंडिपेंडेंट रूप से गाना शुरू किया और 2020 में सिद्धू को द गार्जियन ने 50 नए आर्टिस्टों में शुमार किया। उनके बहिम्बा बोल गाने ने ग्लोबल यूट्यूब म्यूजिक चार्ट के टॉप 5 में जगह बनाई। 2021 में मूसेवाला ने मूसा टेप को रिलीज किया। इसके गानों ने भी काफ़ी तहलका मचाया। हालांकि अपने गानों में गन कल्चर को प्रमोट करने और अपने गीतों में भड़काऊ शब्दों के इस्तेमाल के लिए उन्हें कानूनी मुश्किलें भी झेलनी पड़ी। उन्होंने 6ठी क्लास से हिप हॉप संगीत सुनना शुरू किया था और लुधियाना में हरविंदर बिट से म्यूजिक सीखा। आपको बता दें कि 2019 तक मूसेवाला ब्रैम्पटन में रहते थे, लेकिन इसके साथ ही ये जानना भी जरूरी है कि मूसेवाला और कॉन्ट्रोवर्सी का गहरा नाता है और करण औजला से लड़ाई थी। मूसेवाला की करण औजला के साथ लड़ाई हुई थी। दोनों ही मशहूर सिंगर हैं और दोनों ने गाने, सोशल मीडिया हैंडल और परफॉर्मेंस के जरिए अक्सर ही एक दूसरे पर हमले किए हैं। दोनों ही सिंगर्स को अक्सर ही अपने गानों में हिंसा को बढ़ावा देने के लिए आलोचना मिली। तो इसके साथ ही मूसेवाला AK-47 की ट्रेनिंग के लिए भी कॉन्ट्रोवर्सी का हिस्सा रहे। आपको बता दें कि 4 मई 2020 को मूसेवाला के 2 वीडियो वायरल हुए। एक वीडियो में वो 5 पुलिस अधिकारियों के साथ एक AK-47 का इस्तेमाल करने के लिए ट्रेनिंग लेते हुए दिखाई दिए तो दूसरे वीडियो में निजी पिस्तौल की घटना के सामने आने के बाद मूसेवाला की मदद करने वाले 6 पुलिस अधिकारी को निलंबित भी कर दिया गया था। इसके साथ ही खालिस्तानी आंदोलन का महिमंडन भी उनको कंट्रोवर्सी में लाया। दिसंबर 2020 में मूसेवाला ने अपनी सिंगल पंजाब माई मदरलैंड जारी किया। इसमें उन्होंने खालिस्तानी उग्रवादी जर्नल सिंह भिंडेरवाला का महिमामंडन किया। गाने में खालिस्तानी समर्थक भरपूर सिंह बलबीर द्वारा 1980 के दशक के अंत में दिए गए भाषण के दृश्य भी शामिल कर दिए गए थे। हमारी तरफ से मूसेवाला को विनम्र श्रद्धांजलि, लेकिन उनके जो गाने हैं
हैं अभी भी लोगों के कहीं ना कहीं मन में बसे हुए हैं और उनको भूल नहीं पा रहे हैं लोग। अभी भी तमाम सेलिब्रिटीज़ और उनके फैंस लगातार ट्विटर पर ट्वीट कर रहे हैं और इसी तरह से सिद्धू मूसेवाला अभी तक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लगातार ट्रेंड कर रहे हैं। आपको बता दें कि सिद्धू मूसेवाले के गाने के बिना शायद ही कोई वर्कआउट करना भी पसंद करता होगा, क्योंकि सिद्धू मूसेवाले के गानों में जो मोटिवेशन होती थी वो हर किसी को ज़रूरत थी उसकी। और इसी के साथ सिद्धू मूसेवाले के गाने को लोग सुनते थे, उनके संगीत को लोग बहुत पसंद करते थे, लेकिन फिलहाल ये विश्वास करना काफ़ी मुश्किल है कि वो अब हमारे बीच में नहीं है और उनके फैंस जो हैं उनके गानों को हमेशा ही सुनते रहेंगे और उनके संगीत में वो हमेशा ही जिंदा रहेंगे।